हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है 12368 विक्रमशिला सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये एक डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। ये हर रोज़ आनंद विहार से दोपहर 1:15 पर रवाना होती है और एक रात चलकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 8:15 पर आपको भागलपुर पहुँचा देती है। ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1208 किलोमीटर का डिस्टेंस 19 घंटे में कवर करती है। इसके तकरीबन 21 हॉल्ट हैं। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 63 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और मैक्सिमम स्पीड रहती है 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन को आनंद विहार से लेकर भागलपुर तक गाजियाबाद का वेब 7 लोकोमोटिव सर्विस देता है। इस ट्रेन को पहली बार 7 मार्च 1977 को सोमवार के दिन चलाया गया था। बात करें इसके कोच कॉम्पोजिशन के बारे में, इसमें LHB श्रेणी के 22 कोच लगाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट AC का एक कोच लगाया जाता है, सेकंड AC के एक कोच लगाया जाता है, थर्ड AC के 5 कोच लगाए जाते हैं, स्लीपर क्लास का इसमें 9 कोच लगाया जाता है और इसमें जनरल क्लास का भी 3 कोच लगाया जाता है। इसमें पेंट्री कार का भी एक कोच है और इसमें SLR और EOG का भी एक कोच लगाया जाता है। बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो अभी दोस्तों मैं जो आपको किराया बताऊँगा वो आनंद विहार से लेकर भागलपुर तक का बताऊँगा। ये अपडेट और सही किराया है, फिर भी आप अपने नज़दीकी टिकट काउंटर से एक बार जर्नी से पहले जरूर कंफर्म कर लें। इस ट्रेन में फर्स्ट AC का किराया 3585 रुपये, सेकेंड AC का किराया 2100 रुपये और थर्ड AC का किराया 1455 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 550 रुपये और जनरल क्लास का किराया 304 रुपये। दोस्तों ये अपडेट और सही किराया है, फिर भी आप एक बार अपने जर्नी से पहले इस किराए को अपने नज़दीकी टिकट काउंटर जरूर कंफर्म कर लें। बात करें इसके टाइम टेबल के बारे में, तो ये हर रोज़ दोपहर को आनंद विहार से 1:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है कानपुर सेंट्रल शाम को 6:25 पर और 6:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुंचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रात को 11:35 पे और 11:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुंचती है बक्सर रात को 12:46 पे और 12:48 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुंचती है आरा जंक्शन रात को 1:33 पे और 1:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है पटना जंक्शन रात को 2:30 पे और 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है पटना साहिब रात को 2:55 पे और 3 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है फतुहा जंक्शन रात को 3:08 पे और 3:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है खुशरूपुर रात को 3:18 पे और 3:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है बख्तियारपुर रात को 3:36 पे और 3:38 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है बारहा रात को 3:48 पे और 3:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है मोकामा रात को 4:10 पे और 4:12 वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है हाथीदह जंक्शन रात को 4:18 पे और 4:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है बढ़िया रात को 4:32 पे और 4:34 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है लखीसराय जंक्शन सुबह 4:58 पे और 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है क्यूल जंक्शन सुबह 5:40 पे और 5:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है कजरा सुबह 6:02 पे और 6:04 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है अभीपुर
सुबह 6:12 पर और 6:14 पर से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का होल्ड है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है धरहरा सुबह 6:25 पर और 6:27 पर से रवाना होती है। 2 मिनट का होल्ड है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है जमालपुर जंक्शन सुबह 6:45 पर और 6:47 पर से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का होल्ड है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 3 पर आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है बरियारपुर सुबह 7:00 और 7:02 पर से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का होल्ड है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है सुल्तानगंज जंक्शन सुबह 7:28 पर और 7:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का होल्ड है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन अपने लास्ट डेस्टिनेशन भागलपुर जंक्शन सुबह 8:15 पर आपको पहुँचा देती है और अपनी यात्रा को 1 नंबर या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके समाप्त करती है। और अब तक यह ट्रेन 1207 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।